हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विरद आप लोगों का सिलेक्शन मेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। दोस्तों, आप लोग भी यदि अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी में यूपीपीसीएस की, आरओ एआरओ की, या फिर दूसरे जो भी एग्ज़ाम्स है जीआईसी वगैरह के जो एग्ज़ाम्स, अगर आप उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को पिछले एक दो दिन से लगातार खबर मिल रही है, जानकारी मिल रही है कि यूपीपीएससी ने अपना नया एग्ज़ाम कैलेंडर जो है वो जारी किया है। तो इसको लेकर के कई सारे बच्चों के फ़ोन लगातार मेरे पास आ रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक आवश्यक जानकारी लेकर के आपके सामने आया हूं कि यूपीपीएससी का नया एग्ज़ाम कैलेंडर जो है उससे संबंधित क्या जानकारी है, क्या चीज़ है। कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी जानकारी प्रेजेंट टाइम में न्यूज़ में चल रही है, देखिए आपको यहाँ पर दो चार चीज़ें हैं जो आपके प्रश्न में, आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा। नया एग्ज़ाम कैलेंडर क्या है, क्या खबर है इन सबसे रिलेटेड, और तैयारी के लिए क्या अब हमें और समय मिल गया है, यानी यूपीपीएससी का जो नया एग्ज़ाम कैलेंडर है क्या उसने एग्ज़ाम डेट्स को आगे बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया है। इन सबसे संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए लगातार वायरल हो रही, तो मैं वन बाई वन सारी चीज़ें आपको बता दूँ। देखिए, कोविड की अगर हम बात करते हैं, कोविड-19 का जिस समय से पेंडेमिक हुआ था, सेकेंड वेव हमारे यहाँ आई और ज़बरदस्त तरीके से नुकसान करके गई है, लोगों की जनहानि बहुत ज़्यादा हुई है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आयोग की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था उसमें यूपीपीसीएस 2020-21 वाला जो एग्ज़ाम है, यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम है उसको, प्रीलिम्स को पोस्टपोन किया गया है। स्वाभाविक सी बात है कि इसके मेंस के एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हुए होंगे या होंगे ही होंगे, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि आयोग की तरफ से या आयोग की ओर से आधिकारिक रूप से, यहां पर शब्द आधिकारिक प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, आधिकारिक रूप से कोई भी नई एग्ज़ाम डेट अभी नहीं बताई गई है। यूपीपीसीएस प्रीलिम की कोई भी नई एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं बताई गई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से या लगातार जो है वो न्यूज़ में चीज़ें आ रही हैं कि यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम है, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम 24 अक्टूबर को टेंटेटिव है 2021 को। अब ये किन सोर्सेज से उन्हें पता चल रहा है, लोगों को किन सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से हम वास्तविक रूप में नहीं मान सकते हैं। तो ये कहाँ से कैसी जानकारी मिल रही है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। दावा किया जा रहा है कि जब टेंटेटिव कैलेंडर आएगा तो उसमें यही डेट आपको देखने को मिलेगी। तो अब क्या हो रहा है, बच्चों के दिमाग पर क्या बात जा रही है, एक तो वो थोड़ा सा रिलैक्स भी हो रहे हैं कि चलो अब अक्टूबर के में एग्ज़ाम है, थोड़ा और हमें समय मिल जाएगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, भले ही ये डेट सत्य हो, भले ही हो सकता है आगे आकर के नए एग्ज़ाम कैलेंडर में ये डेट आपको देखने को मिले, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं उसमें और गति प्रदान करें, ना कि शिथिलता प्रदान करिए। ये शिथिलता प्रदान करने वाली चीज़ें नहीं है, गति प्रदान करने वाला समय है। आप और मेहनत करें, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, एक महीने बाद भी हो सकता है, जून जुलाई अगस्त कभी भी शुरू हो सकते हैं, तो आप अक्टूबर को लेकर के, अक्टूबर के लास्ट को लेकर के आप मन बना करके ना बैठें। अगर ऐसा हो जाता है, एग्ज़ाम में प्रिपरेशन में आपको अच्छा समय मिल जाता है तो ये एक अच्छी बात है, बट अभी आधिकारिक रूप से इसकी कोई जानकारी नहीं है। सिमिलरली यूपी के पीसीएस की जो एग्ज़ाम डेट है, यूपी पीसीएस की तरफ से आरओ एआरओ, यूपीपीएससी की तरफ से जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है उसके लिए भी लोगों ने एग्ज़ाम डेट जो है वो अनाउंस करी हैं। तो वो जो अनाउंस डेट आजकल जो चल रही हैं, जो बहुत सारा सोशल मीडिया में भी प्रचलित हो रही है, देखिए आरओ एआरओ की 1 अगस्त को पेपर होना था, 1 अगस्त 2021 को इसका पेपर टेंटेटिवली पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया था, लेकिन अब इसकी नई एग्ज़ाम डेट क्या होगी जो इस समय वायरल चल रहा है, उसमें बताया गया है कि 5 दिसंबर यानी कि 5/12/2021 को आरओ का प्रीलिम्स हो सकता है और इसका मेंस जो है वो आपका 10 अप्रैल 2022 बताया जा रहा है। देखिए अब ये कितना सत्य है इसकी बस जानकारी नहीं है, संभवतः हो सकता है कि ये डेट्स हों, लेकिन हो सकता है ये डेट्स ना भी हों, क्योंकि 1 अगस्त को हो सकता है पेंडेमिक की इतनी ज़्यादा परेशानी ना हो। इस तरीके की डेट रखने के पीछे मंशा ये हो सकती है, अगर ऐसी हो रही है तो, अगर ऐसी डेट रखी जा रही है तो इसकी मंशा ये हो सकती है कि आगे की जो पीछे के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको आगे पोस्टपोन करके आगे ले जाया जा रहा है, तो पिछले जो एग्ज़ाम्स जो पेंडिंग है यानी आरओ एआरओ के हैं उनको भी और आगे खिसकाया जाएगा, ऐसा हो सकता है। अब देखिए इसके पीछे क्या विचार है, दृढ़ विचार तो आयोग ही जानता है और आयोग की जो प्रणाली है वो जानती होगी। एग्जैक्टली मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो लोग आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं और उनको ये सुनने को मिल रहा है
उनको ये सुनने को मिल रहा है कि अब एग्जाम डेट 1 अगस्त 2021 के बजाय ना होकर के 5 दिसंबर 2021 को होगा, तो वो फिर अपनी पढ़ाई को लेकर के शिथिल पड़ जा रहे हैं। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपनी पढ़ाई को लेकर के शिथिल ना पड़ें, लिथार्जिक ना हो, आप एक्टिव रहें, एक्टिवेटेड रहें अपनी पढ़ाई को लेकर के। आरओ एग्जाम आरओ के लिए मान के चलिए कि 1 अगस्त को ही आपका एग्जाम हो जाएगा। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, देखिए जो डेट्स हैं लगातार जो चल रही हैं, जैसे हम पीसीएस की बात करते हैं, पीसीएस 2021 की बात कर रहे हैं, तो इसमें प्रीलिम्स के बारे में बताया जा रहा है 24 अक्टूबर की डेट है 2021, और मेंस के लिए अगर देखा जाए तो मेंस के लिए डेट बताया जा रहा है 28 जनवरी 2022, ठीक है, ये डेट बताई जा रही है। फिलहाल आप अपनी तैयारी जो है वो रखें जबरदस्त तरीके से, इन डेट्स पर फिलहाल भरोसा ना करें। कहा जा रहा है 1-2 दिन में एग्जाम कैलेंडर की आ जाएगा, तो जब आ जाएगा अगर यही डेट आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हम उसी हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे ही करेंगे। टिल देन आप अपने आप को बिल्कुल भी हल्का महसूस ना करें। इसके अलावा जो आर ओ आर ओ की डेट है उसमें जैसे 5-12 की डेट बताई जा रही है 2021 की, ठीक है, प्रीलिम्स की। मेंस की डेट 10 अप्रैल बताई जा रही है 2022 की, ठीक है, तो इसको भी आप इस तरीके से ना लें, बल्कि वो जो आपका अगस्त और दिसंबर जो है उसको जो डेट बताई गई थी प्री और मेंस की, उसको थोड़ा सा अभी फिलहाल पालन करके चलें जब तक एग्जाम कैलेंडर ना आ जाए। दोस्तों जैसे ही एग्जाम कैलेंडर आएगा मैं आपके सामने वो कैलेंडर आपके सामने विधिवत रखूंगा, तैयारी कैसे करेंगे, जो शॉर्ट टाइम बचेगा हमारे पास में उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड स्ट्रेटजीज भी मैं आपको लगातार बताऊंगा। किसी को इन सब चीज़ों को लेते हुए कोई भ्रम है, किसी प्रकार की कोई शंका है, कोई शिकायत है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जो नीचे नंबर दिए जा रहे हैं। आर ओ ए आर ओ के बैच को लेकर के आर ओ आर ओ का स्पेशली पॉलिटी जो है वो मैं सेशन लगातार ले रहा हूँ, आप जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। वो जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर अपना नाम और डिटेल लिख करके मुझसे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे अफवाहें ना फैलाएं, बिलीव अपनी पढ़ाई पर करें, अपने कर्मों पर करें, भाग्य और भरोसे जो है वो बाद की बातें हैं, पहले आप अपने कर्म को साधना शुरू करिए। धन्यवाद।